हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों, नागारम का मेटालिक एडिशन भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ग्लॉसी एडिशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है, ये साइड में है। मतलब स्लिप बॉक्स अगर ऐसे रखेंगे तो ये सर पे दिखेगी नागारम, और नीचे की तरफ लिस्टिंग है। ठीक है, पूरा बॉक्स दिखा देता हूँ आपको, और पीछे की तरफ ये कोबरा घाटी वाला एक्शन है। ठीक है दोस्तों, चलो तो जल्दी से कॉमिक्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा है मेटालिक एडिशन। बहुत भारी है तो दोस्तों, एक फीडबैक तो मैंने अभी निकालते निकालते दे दिया आपको कि बहुत भारी है। ठीक है, चलो तो दोस्तों खंड एक और खंड दो, ठीक है, तो दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। हमने इसको निकाल लिया है और मैंने इसकी जो जो कवर्ड लैमिनेशन थी वो भी हटा दी है, तो जल्दी से आप इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं ये जो है इसका क्लासिक नागराज का जो कवर है वो यहाँ पे फ्रंट में हमें दिया गया है। गोल्ड गिल्डेड एडिशन है, मेटल कॉर्नर्स है, गोल्ड मेटल कॉर्नर्स, और साइड में देख सकते हैं आप खंड एक इस तरह से है। पीछे की तरफ देखेंगे तो दोस्तों एक 3D का काम किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा, ये स्पेशल नई चीज़ है, एक फर्स्ट टाइम आई है और काफ़ी अच्छा है ये। देखिए ये लिस्ट है यहाँ पे कंप्लीट। और दोस्तों चलिए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक जो मनीष जी स्टाइल एक कवर दिया गया है, यहाँ पे लेमिनेटेड है वो, यहाँ पे इस तरफ पे अगेन एक, यहाँ पे भी, तो 3-4 कवर हैं यहाँ पे जो इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। और ये एक आप देख सकते हैं, दोस्तों मेटालिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेटालिक में इस बार इन्होंने मेटल को काफ़ी, मेटालिक वर्जन ही है ये ग्लॉसी जैसा ही लग रहा है ये तो, करीब करीब बहुत लाइट रखा है। दोस्तों मैं इसका कंपैरिजन दोस्तों एक ना आपको उसके साथ करवा देता हूँ, नॉर्मल एडिशन के साथ, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं नॉर्मल एडिशन भी उठा लाया हूँ, तो जल्दी से इसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और नॉर्मल एडिशन को ओपन करके इसको चेक करा देंगे आपको। देखिए दोस्तों नॉर्मल एडिशन और इसमें क्या फ़र्क है, मैं यही पेज निकाल लेता हूँ, पेज नंबर 3 निकाल लेता हूँ, तो देख सकते हैं। तो इस बार ये मेटालिक की जो शेड है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा बहुत लाइट है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि मेटालिक की शेड ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं। तो कलरिंग वलरिंग सही दिख रही है, मतलब इतनी लाइट है कि मुझे एक बार तो डाउट हुआ कि ये मेटालिक है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए वापस मैं हटा देता हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कंपैरिजन में क्या दिखा क्या वीडियो में, नहीं दिखा तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ये 11 नंबर पेज है, उसको दोबारा दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल भी फ़र्क का पता नहीं चल रहा है। ये तो यहाँ रोशनी पड़ रही है तो वैसे भी इतना कुछ पता नहीं चलेगा, दिन के उजाले में थोड़ा सा बेटर पता आइडिया लगेगा, बट ओवरऑल मैं कह सकता हूँ देख के सामने में जो मुझे दिख रहा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में। इसमें मेटालिक का शेड आ ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल बहुत लाइट है मेटालिक का शेड। तो चलिए इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और वापस चलते हैं मेटालिक की तरफ, बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटालिक। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी है हमेशा की तरह, टॉप नॉच क्वालिटी जो मनीष जी जो हमेशा देते हैं वही क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कवर्स वगैरह हैं अंदर पुराने, और जैसा कि आपको दिखाया था ग्लॉसी में उसी तरह से ये भी यहाँ पे जैसे फील आ रहा है। दोस्तों यहाँ इस जगह देखेंगे तो फील आ रहा है, ये यहाँ पे मेटालिक थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे फील आ रहा है, और यहाँ पे इधर कम है, इधर तो बिल्कुल ही नागे बराबर है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेटालिक की फील कितनी है और यहाँ पे मेटालिक की फील कितनी है, इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, देख सकते हैं। बाकी बाइंड वाइंड सब सही है दोस्तों, कोई किसी तरह की कोई समस्या है नहीं इस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया। दोस्तों कवर्स बहुत अच्छे, स्पेशली मुझे ये चीज़ बढ़िया एक्साइटेड करती है, ये लैमिनेटेड है दोस्तों, ये फटेगा नहीं। ये अस्तर ना जो संजय जी की सीरीज में या मनोज जी की सीरीज में यहाँ पे थोड़ा एक क्रैक आ जाता है, ये इसमें नहीं आया, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मनीष जी की। और देख सकते हैं पीछे ये 3D वाला। चलिए तो दोस्तों ये था खंड 1, अब खंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसको मैं साइड कर देता हूँ, तो खंड 2 दोस्तों देख सकते हैं
ये जो कवर दिया है मुझे स्पेशली ये कवर काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा बनाया है, ये ब्लू बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं भारी है दोस्तों, सच में भारी है, काफ़ी भारी है। और मैंने इसका विद नॉवल्टीज इसका वेट करके देखा तो 5.5 किलो निकला था पूरे बॉक्स के साथ, पैकिंग बॉक्स के साथ 5.5 किलो का है। इट मीन्स कि मतलब अगर मैं इनका वेट करूँ इन दोनों का तो ये 5 kg के अराउंड होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, मतलब बिना स्लिप बॉक्स के ये दोनों 5 kg का होगा, खंड एक और खंड। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं दोस्तों अच्छा भारी नागराज। और ये देख सकते हैं क्वालिटी दोस्तों, मेटालिक और नॉन मेटालिक मतलब ग्लॉसी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रखा है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, कलरिंग में कोई फ़र्क दिख ही नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। क्योंकि कलरिंग डल जो मित्र थोड़ी बहुत शिकायत करते थे कि डल हो रही है, वो इसमें इनमें दिख नहीं रहा वैसा कुछ, ठीक है। कई जगहों पे तो ग्लॉसी का ही फील दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, अरे वाह। और दोस्तों देखिए ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, ये कौन सी कॉमिक्स में आई थी यार, पिरामिडों की रानी, अरे वाह, इन्होंने बीच में डाल दिया है क्या, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पीछे वाइट बैकग्राउंड था पहले, बहुत ही बढ़िया। ये नागराज का सफर ऐड किया है इन्होंने, देख सकते हैं। और ये मित्रों के यहाँ पे संस्मरण, बहुत बढ़िया। दोनों में से अगर एक को मुझे चुनने को बोले तो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, ग्लॉसी भी उतना ही खूबसूरत और अच्छा बना है जितना मेटालिक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक दोस्तों। क्वालिटी देख सकते हैं, और टॉप से ऐसा दिख रहा है, साइड से बॉटम। ये दोस्तों ये इस पे मत जाइएगा, ये टेपिंग की है जस्ट टू प्रोटेक्ट द बुक, ये जब आपके पास आएगी तो आप लोग इसको हटा लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको नहीं हटाया, ठीक है, ये तो मेरा अपना पर्सनल वाला है तो मैं हटा नहीं रहा हूँ तो इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा रिव्यू नागरम के लिए। हाँ दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको इसकी नॉवल्टीज़ भी दिखा देता हूँ जो इसके साथ आई है, ये सब नॉवल्टीज़ आई हैं दोस्तों इसके साथ में, देख सकते हैं जी सर, ठीक है, जिसमें आपका एक 3D वाला होगा और 4 जो स्टैंडी जो पेपर बैग के साथ आए थे लार्ज साइज, वो स्टैंडी भी हैं इसमें इन्वॉल्व। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक कंप्लीट पैकेज दे दिया है। चलिए तो दोस्तों इसी रिव्यू के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी स्टोर से परचेज कर, हमारी वेबसाइट भी है kabeercomics.com, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी दोस्तों, धन्यवाद।